नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको मैं बताऊंगा 16 एम्पेयर का कमेंट का कनेक्शन करके बताऊंगा। जैसे देख सकते हो कि ये 16 एम्पेयर का एंकर का है कमेंट बॉक्स है। ये कनेक्शन के लिए हमारे को क्या क्या आइटम लगे उसके बारे में बताऊँ। अपना कनेक्शन के लिए इस 16 एम्पेयर जैसे कि कमेंट का कनेक्शन करना है तो उसके लिए हमारे को दो वायर लगेगा, रेड और ब्लैक, और वायर भी अपना 1.5 का डालना है ये 16 एम्पेयर के कनेक्शन में, कमेंट का कनेक्शन उसमें। ये जैसे तो ये दो पोले कैप का वायर है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कमेंट बॉक्स। तो ये देख सकते हो ये 16 एम्पेयर का सॉकेट है और 16 एम्पेयर का स्विच है। इसका ये शटर वाला सॉकेट है, एंकर कंपनी का है। अभी आपको मैं कनेक्शन करके बताऊँगा। मैंने पहले से ये इसको खोल कर रखे हैं। अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इलेक्ट्रिक हार्डवेयर पेंट से संबंधित जानकारी मिलती रहे। जैसे देख सकते हो कि ये खुल गया है, तो जो मेन लाइन रहता है जिसमें करंट आता है वो कनेक्शन अपना इधर नीचे स्विच से करेंगे, और स्विच का इधर ऊपर से कनेक्शन फिर सॉकेट में देंगे, और न्यूट्रल का वायर इधर लगाएंगे। जिधर एन लिखा रहता है उधर अपना न्यूट्रल का वायर रहेगा, और जिधर एल लिखा रहता है वो अपन स्विच से इसमें सॉकेट में कनेक्शन देंगे, एल लिखा हुआ था उधर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेन लाइन रहता है वो अपन नीचे स्विच, जैसे कि इसका निशान दिख रहा होगा आपको, तो मेन लाइन इधर नीचे से लगता है जिसमें करंट आता है। सबसे पहले इसमें के अंदर वायर डालेंगे और इस टेस्टर से अच्छे से टाइट कर देंगे। ये वायर का वायर मैंने पहले से काटा हुआ है ताकि वीडियो लंबा न बने और जल्दी से समाप्त हो जाए। तो अभी मैं आपको ये स्विच से अपन अपने सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। अभी ये नीचे मेन लाइन हो गया, अभी स्विच से सॉकेट में कनेक्शन है। सॉकेट में जिधर एल लिखा रहता है, एल मतलब मेन लाइन। तो अभी ये देख दो, इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। अब न्यूट्रल का वायर इधर से लगेगा, जिधर जैसे कि ये सॉकेट है ये तो एंड लिखा रहता है, ये एंड में अपना न्यूट्रल का वायर रहता है, और जो ये ऊपर का है इधर आप अर्थिंग का वायर भी डाल सकते हो, अगर लगे जोर लगे तो अर्थिंग का वायर भी डाल सकते हो ऊपर। अच्छे से टाइट कर देंगे, देख सकते हो ये इसका कनेक्शन हो गया। सबसे मेन लाइन का जो मेन लाइन स्विच के नीचे से रहता है, जैसे कि ये बटन ऑन ऑफ करते तो जो करंट वाला लाइन रहता है, वायर रहता है, वो इसके नीचे आएगा और स्विच से फिर डायरेक्ट ये अपने सॉकेट में आएगा, जिधर एल लिखा रहता है उधर आएगा, और न्यूट्रल का वायर इधर आएगा, और ऊपर जो ये है ये अपना अर्थिंग का वायर है, इधर आप अपना ग्रीन वायर भी डाल सकते हो, डालना जरूरत लगे तो। और ये अच्छे से टाइट से देख सकते, ये पूरा कनेक्शन हो गया है। और इसके बाद में ये इधर से इसका जो है ये इसको थोड़ा सा होल्ड करके ये वायर इसके बाहर निकाल देंगे और आगे कनेक्शन कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।